सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो और तस्वीरें वायरल होते रहते हैं जो बेहद ही मजेदार होते हैं। कुछ वीडियो को देखकर तो हैरानी होती है, खासकर शादी के वीडियो देखने लायक होते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा अपनी दुल्हन को कंधे पर नदी पार कराता दिख रहा है। दरअसल सोशल मीडिया में अपने दुल्हन को कंधे पर उठाए एक दूल्हे की तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। ये वायरल वीडियो बिहार के किशनगंज जिले में स्थित एक बाढ़ प्रभावित इलाके की है, जहां शादी के बाद दूल्हे को अपनी दुल्हन घर ले जाने के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ा। किशनगंज के देगल बैंक प्रखंड स्थित सिंघीमारी के पलसा घाट पर पुल के अभाव के चलते दूल्हे ने नई नवेली दुल्हन को गोद में उठाकर कंधे पर लेकर नदी पार कराई। पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने कंधे पर लेकर नदी पार करता दिख रहा है। मामला पिछले रविवार का है। पलसा गांव से बारात लौट रही थी। वापस बारात से लौटते वक्त आधी नदी में नाव पार कर कम पानी वाले नदी की धारा पर दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को कंधे पर लेकर नदी पार करा रहा था, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। दूल्हा शिव कुमार सिंह बहादुरगंज प्रखंड के लोहागाड़ा पंचायत का निवासी है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश के चलते सभी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को बचने के लिए दूसरी जगहों पर शरण लेना पड़ रहा है। बारिश के चलते एक तरफ जहां मौसम सुहावना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पलसा सीमावर्ती गाँव है, उसके बाद नेपाल है, जिस कारण अब तक कनकई नदी पर पुल नहीं बन पाया। ऐसे में एक शख्स को अपनी दुल्हन को बाढ़ की वजह से घर ले जाने में काफी परेशानी हुई। दूल्हा दुल्हन की इस मुश्किल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दूल्हा द्वारा नई नवेली दुल्हन को गोद और कंधे पर उठाने की खबरें इलाके में चर्चा का विषय बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट।